तो मैम सॉरी, मैं क्योंकि इवनिंग टाइम में मैं स्टोर में रहती हूँ, तो मैं ये रोप और माला ये सब पहन नहीं पाऊंगी। मेरा भी कोई मन बात है और मुझे मुझे बहुत पसंद भी है ये सब पहनना, तो अभी नहीं पहन पाऊंगी, सॉरी उसके लिए। और मैंने पहले भी बताया था कि मुझे आपका लिंक कैसे मिला या फिर लामा फेरा मुझे कैसे पता चला। उस टाइम में मेरा अभी भी थोड़ा बहुत डाउन है, मैं नहीं बोलूंगी कि एकदम से वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत कुछ जानने के लिए मिला। और कहते हैं ना कि अब म्यूट हो गए हो। जिस दिन अट्यूनमेंट मिला मुझे, उस दिन तो बोल सकते हैं कि मैजिक हुआ है मेरे साथ। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, तो हर एक चीज के लिए अच्छा लगा। और मैं पहले भी गुरु दीक्षा ले चुकी हूँ और मैं अभी भी उसका वो माला पहनती हूँ। और मुझे लेडी से लेना था, मेरा मतलब मेरे हिसाब से मुझे चाहिए था कि मुझे लेडी गुरु चाहिए, जेंट्स नहीं। लेकिन मेरा वो गुरु जेंट्स था। और जब ये लामा फेरा के लिए जब मैंने सर्च किया था यूट्यूब में, तो आसाम का ही नॉर्थ ईस्ट का ही गुवाहाटी से ही, मैंने पहले भी बताया वो शायद एसामीज मुस्लिम ऐसा कुछ बंदा है, तो वहाँ पे मतलब 10,000 का बोला था टोटल पैकेज मतलब विद किट। और उसमें टाइमिंग पैकेज था, हाँ पैकेज, तो 10 to 2 तक, मतलब 10 बजे से लेके 2 बजे तक पूरा, मतलब हीलिंग मतलब लेवल का, फर्स्ट लेवल का। तो मुझे वो इंसान अच्छा तो लगा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं 4 घंटे में मैं पूरा सीख लूंगी, मैं नहीं सीख पाऊंगी, मुझे वही लगा। फिर मैंने ढूंढा तो बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो खुला, लेकिन लास्ट मोमेंट में मुझे आप अच्छा लगा। और ऊपर से अमाउंट भी थोड़ा कम था सबसे पहले बात, क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही थी। और कहने का तो बहुत कुछ है मैम, आपने मुझे एक और सिखाया था कि ग्राउंडिंग कैसे करना है, मुझे ग्राउंडिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं मेडिटेशन इतना साल से कर रही हूँ, 2017 से, और लेकिन ग्राउंडिंग के बारे में मुझे किसी ने भी बोला नहीं। इवन मुझे जब जिस मंदिर से भी बोला मेडिटेशन के लिए, मैंने किया, लेकिन ग्राउंडिंग के बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला था। तो ग्राउंडिंग मैंने किया है, मुझे अच्छा भी लगा है। और लास्ट टाइम में आपने मुझे बोला था कि छड़ी पकड़ के भी सो सकती है या फिर छड़ी पकड़ सकती है। उस दिन शायद पूर्णिमा था, पूर्णिमा के नाइट पे मैं एकदम से नहीं सो पाती हूँ, और ऊपर से मतलब अमावस्या पे मैं नहीं सो पाती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं था, उस दिन नींबू भी खत्म हो गया था, छड़ी भी नहीं था, एप्पल था, मैं एप्पल पकड़ के सोया मैम। और उससे मुझे, मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे गर्माहट कम नहीं हुआ है, बहुत मतलब अच्छा लगा, रिलीफ मिला कि मतलब बॉडी से पूरा गर्माहट मतलब खींच रहा है, ऐसा भी लगा। तो मैं पूरी रात एक एप्पल लेके सोई हूँ, तो ये सिर्फ आपकी वजह से मुझे ये आइडिया आया। ये मुझे अच्छा लगा। और क्या बोले, उस दिन अट्यूनमेंट के दिन पे जैसे कि मैंने फाइनेंशियल का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम जो ज्यादा था वो थोड़ा मतलब कम हुआ है, लेकिन मुझे मिला है, जितना भी मिला है मैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किट नहीं मिलेगा, और ऊपर से मुझे बोला था कि मुझे डिलीवरी नहीं देगा, लेकिन उसी दिन अट्यूनमेंट लेने के बाद ही मुझे वो किट भी मिल गया, 6 बजे तक, 6 बजे को मिला। और आपने मुझे बोला भी था कि सोचना कम करो, और मैं कम नहीं कर पाती क्योंकि और ज्यादा होता है। और उस दिन मुझे, मैं बहुत ज्यादा एनर्जी थी, मैं बहुत सारा जगह में गया, बहुत कुछ किया, फिर उसके बाद स्टोर आई, काम भी किया फिर से, और स्टोर में बैठी। फिर उसके बाद आज के बारे में बोलती हूँ। आज मैं जब मेरा वो 11 डेज का वो ये सिद्धिकरण कर रही थी, मुझे नहीं पता मैम आपने कट कट भी बोला, मतलब जो आपका रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, मैं उसके बावजूद भी मैं कभी वो नहीं कर पाया मैम, क्या बोलते हैं, हेलो एक मिनट, हाँ हाँ सुन रहे हैं हम आपको, बोलिए। उसके बाद भी मैं आई अपना ओपन नहीं कर पाया। और मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा है, तो मुझे बहुत खुली आसमां बकरा देखती है, मतलब मेडिटेशन के टाइम पे जैसे कि ओपन एरिया है ऐसा लगता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने किसी लामा का सर देखा, मतलब ये फोरहेड देखा, तो मुझे ये ऐसा लगा कि ये कौन है। तो मुझे समझ नहीं आया ये लामा लामा का ये कौन है। तो मैंने सोचा कि मैम से मैं पूछूंगी, कभी मौका मिलेगी तो, मुझे ये लगा। और मैंने आपको बताया भी था मेरा पर्सनल कुछ कुछ जो मैं बोलती हूँ, आपकी इच्छा है वो हाँ वो पता नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले संडे के दिन पे
मतलब नाइट पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया था। ऐसे तो मैं कभी कभार जो भी बोलती हूँ सही हो जाती है मैम, लेकिन उस दिन मेरा एनर्जी भी शायद बहुत ज्यादा हाई था, मैं एक्साइटेड भी थी। और उसने मुझे जब फोन किया अपने हस्बैंड के बारे में पूछने के लिए, मैं ऐसे ही जो मुझे फील होता है मैं वही बोलती हूँ। लेकिन ये आपका अटूनमेंट लेने के बाद हुआ है, जिस दिन मेरा मेरा संडे को ही अटूनमेंट हुआ था, और उसी संडे नाइट को ही फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे पूछा कि उसका हस्बैंड का ऐसा ऐसा स्टोर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने बस बोला कि उसका स्टोर में, मतलब मुझे ये पूरी तरह से क्लियर मतलब विजन टाइप का हो रहा था कि मतलब मैंने पूछा कि 2.5 या फिर 3 फुट का कमरा है और लंबा है, मतलब चौड़ाई इतना है और लंबाई है, तो मैंने ये पूछा तो है या नहीं ऐसा, तो बोला कि है बोला। तो उस रूम में कैमरा है या नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, तो मैं तो ऐसे मतलब सर थोड़ा आइडिया होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम आपका अटूनमेंट मिलने के बाद उतना स्ट्रेस भी कम हो गया थोड़ा सा। फिर ये मुझे ये अच्छा लगा कि मैं एटलीस्ट विजन क्लियर हुआ। और मंडे के दिन पे जी मैं पूजा करती हूँ। मैं दिन में 2 बार पूजा करना पसंद करती हूँ, लेकिन जब से मैं गुवाहाटी से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तब से मेरा ये सब डिसकंटिन्यू हो रहा था सब कुछ। अभी भी थोड़ा बहुत ये है कि मॉर्निंग को ही करना होता है, और स्टोर में ही मॉर्निंग इवनिंग करना होता है, अपने रूम में उतना करना नहीं होता है, और नया नया शिफ्ट हुआ है इसलिए। और मैं भूल गई बोलते बोलते मुझे कोई बात नहीं, अच्छा कट लगा। कट इट शॉर्ट, कट इट शॉर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हाँ, और एक चीज भी बोलना था मैम, मैं कभी भी मंदिर में घुसती हूँ मुझे ओम नमः शिवाय के अलावा कुछ नहीं आते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मुझे किसी गॉड को कैसे बुलाते वो मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन लास्ट मतलब मंडे को पहली बार मैं अपने घर के मंदिर में कम से कम 15 साल ऐसे बात में घुसी हूँ, और इतना सारा मंत्र कैसे आ गया मुझे नहीं पता, वो सब अट्यूनमेंट के पास हुआ, इसलिए थैंक चलिए, यू मैम एकदम थैंक यू से, थैंक थैंक यू। यू।